इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो है एजेंडा पर, और एक खास बात मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मीटिंग का एजेंडा होता है वो बताऊंगा, प्लस उनके बोर्ड मीटिंग का भी एजेंडा बताऊंगा। नाउ सबसे पहले शुरू करते हैं एजेंडा। नाउ जब आप ट्रिप प्लान करते हो, सपोजली गोवा जाना है, तो कैसे जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, कब वापस आएंगे, प्लान तो करना पड़ेगा ना। तो जब कंपनी ने मीटिंग रखा है, सपोजली साल में एक बार मीटिंग होती है, उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, तो उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स को इनविटेशन भेजा है रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं, नोटिस। लेकिन शेयर होल्डर जब एनुअल जनरल मीटिंग में आएंगे तो करेंगे क्या? सो एजेंडा वो पॉइंट्स बताता है जो उस मीटिंग में डिस्कस होगा, और फिर उस पे फैसला लिया जा सकता है, जिसको टेक्निकल भाषा में रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सो एजेंडा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। मैं आपको रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो मैं उसका एजेंडा बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, ये रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग है, नोटिस सिर्फ 5 लाइन का है। देखो नोटिस ये बताता है कि मीटिंग कब होगा, मंडे को, अगस्त को 2 बजे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। लेकिन उस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, टेक्निकली उसको बोलते हैं एजेंडा। तो ये है एजेंडा। यहाँ पे इन लोगों ने एजेंडा वर्ड यूज नहीं किया है, बट ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या होता है, जो रूटीन चीजें एनुअल जनरल मीटिंग में होती है। नाउ यहाँ पे टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉर्मली क्या होता है, ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है। तो ये जो भी चीजें मीटिंग में डिस्कस होगी, ये देखो ऑडिटर 1, 2, 3, 4, टू अपॉइंट श्री हीतल मेस्वानी रोटेशन एज अ डायरेक्टर, 4, 5, ये जो रूटीन चीजें हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, इसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे भी चीजें होते हैं जिसको स्पेशल बिजनेस बोलते हैं, जो जैसे डिक्लेयर डिविडेंड के अलावा, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के अलावा, ठीक है ना। तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन जो हटकर, और जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन है वो भी बताना पड़ता है। सो इन शॉर्ट एजेंडा वो सारे लिस्ट है, मैंने लिस्ट अभी बताया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, ये लोग नंबरिंग दिए हैं, हर एक लिस्ट को नंबरिंग दिए, 10 चीजें दी है। सो 10 चीजें उस मीटिंग में होंगी। तो इन लोगों ने एक चीज बताया नहीं जो मैं बताऊंगा। एजेंडा कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, एक लैटिन वर्ड है एगेंडम, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है एगेंडम, मीन्स थिंग्स टू बी डन इन द मीटिंग, जो मीटिंग में थिंग्स टू बी डन इन अ मीटिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा और फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कि फैसला ना लिया जाए, कंक्लूजन हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो उस मीटिंग में डिस्कस होना है इन राइटिंग फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा। कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड एगेंडम। सो यस, कौन बनाता है एगेंडा, सेक्रेटरी, किसके कंसल्टेशन में, विद द चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है, मीटिंग का हेड होता है, करेक्ट। एगेंडा इज सेंट अलोंग विद द नोटिस, इज सेंट अलोंग विद द नोटिस। इनफैक्ट मैंने अभी आपको बताया था, नोटिस तो सिर्फ 5 लाइन का है, ठीक है ना, नोटिस तो सिर्फ 5 लाइन का ही है। देखो ये नोटिस बताया जाता है कि सोमवार अगस्त 29 को 2 बजे मीटिंग होगा, उसके बाद तो सब एजेंडा ही है ना। सो नोटिस के साथ ही सेम ही पेज में एजेंडा आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।
कि एजेंडा के बिना आप फैसला ले ही नहीं सकते। यदि एजेंडा नहीं है तो डिसीजन किसका लेंगे, और लेना भी चाहो तो लीगली नहीं ले सकते, करेक्ट। तो चेयरमैन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा क्या है? चेयरमैन कैन कंडक्ट द मीटिंग एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। अभी सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। इस बार मैं आपको बोर्ड मीटिंग का, जो रिलायंस का जो बोर्ड मीटिंग है, उसका एजेंडा के बारे में बताता हूं। ये बोर्ड मीटिंग है, अक्टूबर 14 तारीख को लेटर भेजा गया। याद रखो, बोर्ड मीटिंग 7 डेज पहले होना चाहिए। अक्टूबर 21 को बोर्ड मीटिंग है, 7 डेज पहले तो लीगली इन लोगों ने नोटिस बराबर भेजा है। सो ये लोग का एजेंडा क्या है? यहाँ पे टू कंसिडर एंड अप्रूव द स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडेड। सी, तुमको शेयर बाजार को हर 3 महीने में फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना होगा। तो ये बोर्ड मीटिंग बुलाया जा रहा है क्योंकि डायरेक्टर्स को जो बनाया हुआ जो है, जिसको ऑडिट अभी तक किया नहीं है, बट जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है 30 सितंबर, क्वार्टर मतलब 3 महीना, उसके हिसाब से ये सबमिट करना होगा। तो ये एजेंडा है कि जो भी डायरेक्टर्स मीटिंग में आएंगे, इस मीटिंग में ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इस पे ये लोग सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि चेयरमैन को एफिशिएंटली वर्क करते आता है। बोर्ड मीटिंग में तो उसको सिर्फ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ही डिस्कशन और सबसे सिग्नेचर लेना है, जबकि दूसरा एक से ज्यादा हो एज पर सीक्वेंस ऑफ एजेंडा। अब देखो, यहाँ पे चेयरमैन क्या कर सकता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार से एजेंडा के हिसाब से डिस्कशन करवा सकता है। और ये भी खास बात है कि ये जो मीटिंग है, देखो कौन से तारीख को मीटिंग है, अगस्त 29। शेयर होल्डर्स को नोटिस 21 क्लियर डेज पहले जाता है। देखो, अगस्त 6 को नोटिस भेजा गया और मीटिंग कब रखा है? अगस्त 29। मतलब शेयर होल्डर को 21 डेज के ऊपर टाइम मिला है ये जो नोटिस के, जो एजेंडा के पॉइंट स्टडी करने के लिए, करेक्ट। सो मेंबर्स को भी टाइम मिलता है। ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन एजेंडा आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है ना, डिस्कस्ड और एट द सेम टाइम रिजॉल्व, दैट फैसला भी ले सकते हैं, उस फैसले को रेजोल्यूशन बोलते हैं, ओके। फिर गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, एक सिंपल सी बात है, एजेंडा को कीप इट सिंपल। बोलते हैं ना, कीप इट ब्रीफ एंड क्लियर। तुम 10-10 पेज का एक एजेंडा मत बनाओ, छोटा रखो एजेंडा। रूटीन और जनरल नेचर आइटम शुड बी केप्ट फर्स्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इन लोगों ने फर्स्ट रखा है। सी, रूटीन जो आइटम्स है, जैसे कि ये देखो, पहले तो अकाउंट्स तो एकदम रूटीन है, फटाफट लोग स्वीकार लेते हैं शेयर होल्डर्स। फिर देखो, डिविडेंड जो आसानी से हो जाता है। फिर डायरेक्टर्स, और जो जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, जिसमें आप रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है, 8वां 9वां व रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करना है, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और हो सकता है डिस्कशन ज्यादा टाइम लगा, उसको लेट रखा। जो अब डिविडेंड टू शेयर होल्डर तुरंत हाँ बोल देंगे, ठीक है ना, अकाउंट्स भी ये लोग स्वीकार लेंगे। तो रूटीन और फटाफट जो होने वाले चीजें को स्टार्टिंग में रखें। सिमिलर टाइप्स ऑफ मैटर शुड बी प्लेस इन सिक्वेंस ऑफ द एजेंडा। अब आप नोट करो, यहाँ पे जो डायरेक्टर बाय रोटेशन नंबर 3 पे है, चौथे नंबर पे भी दूसरा डायरेक्टर बाय रोटेशन, मतलब जो सिमिलर आइटम्स है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको साथ में रखा गया है, ठीक है ना। 3, 4, 5वां भी ऑडिटर है, एंड फिक्सिंग द रेमुनरेशन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एजेंडा बनाना सिंपल है, इफ यू अंडरस्टैंड कि जो फैसला, डिसीजन और डिस्कशन होना है मीटिंग में, उसके लिए भेजा जाता है। रूटीन आइटम्स को सरीखा रखो, कॉम्प्लिकेटेड या जिसको टाइम लगेगा उसको एंड में रखो। एजेंडा 2 प्रकार का है, पेयर स्टेटमेंट ऑफ एजेंडा, एजेंडा इन विच ऑल आइटम्स आर डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ, और ड्राफ्ट मिनट्स। इन शॉर्ट, ये जो है थोड़ा सा डिटेल बताया हुआ, एक्सप्लेन किया है, ताकि मिनट्स बनाने में आसानी हो। और ड्राफ्ट एजेंडा मतलब सिंपल सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो बेयर स्टेटमेंट मतलब बहुत सिंपल, उसमें आप क्या लिखोगे? सिंपल सा लिखोगे, नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, बस इसके ऊपर लिखोगे नहीं ज्यादा। सो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट आप दोगे, लेकिन मिनट्स बनाने के लिए यूजफुल चाहिए तो थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में दोगे।
ठीक है ना। तो आजकल तो एजेंडा इसी फॉर्म में आता है जिस फॉर्म में इन लोगों ने दिया है, करेक्ट। तो ये था आपका एजेंडा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।